हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैप ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे घूमने के लिए यही आसपास का ही इलाका में, वो भी एक टाइप का इवनिंग ब्लॉग ही है। तो चलिए चलते हैं और आप लोग कोशिश करें कुछ ऐसे जगह दिखाने का जहाँ पे क्या बोले ऑक्सीजन का लेवल ना पूरा बढ़ा हुआ रहता है और एकदम आरामदायक सांस ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए वही वाला जगह में जाने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे सीकेपी से जस्ट 3 किलोमीटर दूर में ही स्थित है एक छोटा सा नदी जिसे बोल सकते हैं। ज़्यादा उतना खूबसूरत तो नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए उन नदी को दिखाते हैं और बने रहिए वीडियो में और क्या क्या है सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है? चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम हैं, ये मेरा हेलमेट है थंडर का जो कि बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए और ख़ासकर मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और सोचे इन फ्यूचर में कि ये हेलमेट में गोप्रो कैमरा को सेटअप करेंगे, तो फिलहाल अभी तो उतना कुछ है नहीं, तो जब हो जाएगा तो सेटअप करेंगे ज़रूर। एक ना एक दिन तो बड़ा यूट्यूबर तो बनेंगे ही आप लोगों का सपोर्ट से, तो फिलहाल अभी कोई ना, अभी भूल जाते उस बात को। तो चलिए रास्ता में ही है, दिखाते आप लोगों को आगे का सीन। परेशानी है ना, सबसे मुक्त होकर एकदम एक रिलैक्सिंग वाला फील आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही सही जगह है, आप लोगों का भी टाइम मिले और आप लोग अगर सीकेपी से है तो ये वाला लोकेशन में आप लोग आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ और भी लोकेशन दिखाएंगे आप लोगों को, एक दो लोकेशन, तो वीडियो पर बने रहिएगा। बस इतना ही कहना है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो सच में दिल से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, हम लोग का यहाँ का वीडियो। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को आगे का कुछ सीन सब है, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, इसलिए आप लोग थोड़ा देख के चले। बहुत ज़्यादा चट्टान है, खासकर ये नदी है ना, इसलिए सो फ्रेंड्स, यही हम लोग का बुद्धा पुल सीकेपी का लोकेशन, बहुत ही अच्छा है। तभी भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं और आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाते हैं व्यू।